गाइस व्हाट्स अप एवरीबॉडी, दिस इज अरमान शेख बैक अगेन न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो कुछ स्पेशल है। आपने टाइटल और थंबनेल देख के पहचान लिया रहेगा कि कौन सा वीडियो किस पे बन रहा है। तो बहुत दिन के बाद हम लोग का वीडियो आ रहा है, तो गुस्सा मत करना, लास्ट तक बने रहना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। हमारे साथ देखो कौन कौन है। और इमरान सबकी आईडी मिलेगी, आप लोगों को फॉलो कर देना भाई फटाफट। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना, उस पर भी तब मिलते हैं, स्टोरी मिलती रहती है कुछ ना कुछ स्टोरी। मतलब अभी भाई का वीडियो आने वाला है 4 बजे, ये वीडियो आज आएगा तो आज ही 4 बजे आने वाला है, नहीं तो कल आया तो समझ लो एक दिन पहले इसका वीडियो आने वाला है। जाके देख लेना इंस्टाग्राम पे सैयद 09। तो आगे मिलते हैं, कुछ दिखने मिला तो दिखाते हैं, आगे बने रहो लास्ट तक। हेलो गाइस, आज 12वां रमजान है और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती जैसे कि 14 अप्रैल है। तो आप सब लोगों का रोज़ा कैसा जा रहा है? रमजान चालू है अभी, तो मेरा हम लोग का भी अच्छा जा रहा है। अरमान रोज़ा कैसा जा रहा है भाई? हाँ भाई, आज रोज़ा नहीं है लेकिन आज हम मेरा भी रोज़ा नहीं है क्योंकि आज ब्लॉगिंग करना है। और आज हम लोग ऐसी जगह जा रहे हैं, भाई का रोज़ा है, ये भाई का रोज़ा है, आदिल भाई का। बहुत दिन से सोच के रखे थे वहाँ जाने का, सोचे ब्लॉगिंग भी कर लेते और अभी फाइनली ब्लॉगिंग कर रहे हैं। और हम लोग मतलब इतना खुश है कि ऐसी जगह जा रहे हैं ना, वहाँ पे मतलब इतना मतलब अभी एक्साइटेड हो रहे कि वो जगह कब पहुँचेंगे। तो आप लोगों को दिखाएंगे हम लोग कहाँ जा रहे हैं। थंबनेल में तो आपको पता ही चल गया, और आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा कि हम लोग किधर जा रहे हैं, जा रहे हैं पता चल गया रहेगा कौन कहाँ जा रहे हैं। तो बने रहिए लास्ट तक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप लोगों से एक ही चाहता हूँ, डेली वीडियो मिलेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह डेली ब्लॉग आएगा। अभी गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर दो, 250 सब्सक्राइबर हो गए अरमान ब्लॉग चैनल पे, तो बहुत बहुत फाइनली गाइस हम लोग घाटकोपर स्टेशन पहुंच गए हैं। और ये सलमान हमारा भाई चल दिया, उसको थोड़ा काम था। और इमरान भाई अभी जाके टिकट निकालेंगे और आदिल भाई और हम लोग तीनों जा रहे हैं। आदिल तो, CST ना टिकट, तो अभी भाई टिकट लेके आएंगे जब उनके। चल Give me less.
जाम हो रहा था वहाँ पे CST स्टेशन पे, तो हम लोग निकल गए। आप लोगों ने देख लिया होगा वो कि कैसा क्या चालू था, शायद से शिवाजी महाराज का कुछ चालू था, पता नहीं, बट जितना देखे हम लोग उतना पता है कि शिवाजी महाराज का ही था। तो आप लोग भी आके देख सकते हो, आज ही के दिन है यहाँ पर। डेस्टिनेशन पे पहुंच गए जहाँ आने वाले थे, दरगाह पे पहुंच चुके हैं। लोगों सामने दरगाह है, लोगों को दिख रही थी कि सामने ही दरगाह है, सदा फ्लैश आ रहा है। नज़दीक जाके तुम लोगों को दरगाह दिखाते हैं, स्टेशन के जस्ट बाजू में ये CST में, तो आप लोग आ सकते हो। दर नबी पर बड़ा रहूंगा, बड़े ही रहने से काम होगा, कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वालेकुम अस्सलाम। आए थे यहाँ पर CST इन्विटेशन पर, यहाँ पर हमें बारगाह की तो सरकारी करामत है, यहाँ पर बहुत सारी करामत है, तो अभी पहले ज़ियारत कर ले उसके बाद बताएंगे। खिलाफे माशूक कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा, खिलाफे माशूक कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा, खुदा भी होगा उधर ही है दिल, जिधर वो आली मकाम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूंगा, बड़े ही रहने से काम होगा, किए ही जाऊं दर्द मतलब, मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब, किए ही जाऊं दर्द़े मतलब, मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब, ना शाम मतलब की सुबह होगी, ना ये फसाना तमाम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूंगा, बड़े ही रहने से काम होगा, जो दिल से है मायले पयंबर, ये उसकी पहचान है मुकर्रर, जो दिल से है मायले पयंबर, ये उसकी पहचान है मुकर्रर, के हर दम उस बे नवा के लब पर दुरूद होगा सलाम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा, कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। दर नबी पर
छत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा दर नबी पर पड़ा रहूंगा, बड़े ही रहने से काम होगा। खिलाफ तो हम लोग जियारत कंप्लीट कर ली, अभी हो गया हमारा जियारत। अभी आदिल भाई को ये दरगाह के बारे में थोड़ा कुछ पता है तो वो हम लोग को बताने वाला है। प्लेटफॉर्म यहाँ से दिख रहा होगा, यहाँ पे प्लेटफॉर्म पीछे ही है और यहाँ से पटरी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। ये दरगाह के पास से ये प्लेटफॉर्म है और ये दरगाह के एंडिंग पे ये पटरी ख़त्म हो गया है और यहाँ पर पीछे दरगाह है और ये स्टेशन है पूरा। आदिल भाई हमारे को इस दरगाह के बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे, उनको भी जितना पता है उतना बता। इमरान भाई को कोई चीज़ दरगाह दिखी थी अभी, क्या हुआ भाई किधर है? अरे नहीं यार, हम लोग नागपुर से बाहर थे, ये प्लेटफॉर्म से आ रहे थे तो उस टाइम पे मैंने एक दरगाह देखा था। वो दरगाह कहाँ गई कहाँ आदमी और नहीं है, कोई दरगाह नहीं है। आदिल भाई कुछ बताने वाले लेकिन आदिल भाई बता नहीं रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वालेकुम अस्सलाम। हम दरगाह की ज़्यारत कर चुके हैं, अगर आपको भी आना रहेगा तो वीटी स्टेशन तो आप मालूम ही, आप सबको मालूम है वीटी स्टेशन, जिसे नहीं मालूम है सीएसटी तो सबको पता ही है मेरे ख्याल से, है ना? तो ये प्लेटफॉर्म पे ही है। प्लेटफॉर्म नंबर कितना? लास्ट प्लेटफॉर्म नंबर लास्ट, हाँ 15 नंबर प्लेटफॉर्म पे आपको यहाँ पर नाज़रीन दरगाह मिल जाएगी। दरगाह का नाम है हज़रत सैयद बाबा बिस्मिल्लाह शाह, जो बहुत बड़ी करामत है उनकी, बहुत बड़ी करामतें हैं। तो आदिल ने उनको जितनी उसकी इन्फॉर्मेशन थी वो सब बता दी है। आदिल ने जो भी गलत हुआ रहेगा माफ़ करना, लेकिन सब ठीक है। तो अभी आप लोग ने दरगाह देख लिए और ये स्टेशन है, स्टेशन के एकदम बाजू में ही है, एंडिंग हो गया इधर स्टेशन और दरगाह के पास से। अभी हम लोग जा रहे हैं रिटर्न दूसरी दरगाह, आदिल बता रहे हैं कोई सी तो वो दरगाह पे जाके उसका ज़ियारत करेंगे और फिर उसका नाम और इन्फॉर्मेशन देंगे आप। तो लास्ट तक हम लोग साथ बने। हाँ हम लोग दूसरी दरगाह पे लेके जा रहे हैं आदिल भाई, और वो एक दुख बात भी बोल दी है कि वो दरगाह पे एंट्री नहीं मिलेगी। क्यों भाई, क्या बात है भाई? दरगाह बन रही है, दरगाह का काम चालू है, तो अभी मौका नहीं मिलेगा, फिर भी इंशाल्लाह ट्राई मारेंगे। हाँ देखेंगे, जितना दिखाने मिले हम भी देखेंगे और तुमको भी दिखाएंगे, जो हम देखेंगे वो तुम देखेंगे। हाँ सही है ना? चलो मिला। काफ़ी लंबा आ गया हम लोग चल के, पर आदिल भाई को रास्ता मालूम है या नहीं मालूम है क्या मालूम, लेकिन चलते ही जा रहे हैं। देखो तो गाइस फाइनली पहुंच गए सामने ही है। आदिल भाई ने कैसा बताया, दर नबी पर पड़ा रहूंगा, बड़े ही रहने से काम होगा, कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा दर नबी पर पड़ा रहूंगा, बड़े ही रहने काम होगा। खिलाफे माशूक कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा। खिलाफे माशूक कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा।
खुदा भी होगा उधर ही ऐ दिल जिधर वो आली मकाम होगा। दूसरी दरगाह की भी जियारत हम लोग ने कर ली है, कंप्लीट हो गई गाइस। तो उसका थोड़ा सा सीन हम लोग ने चुपके से लिया है जो तुमने देख लिया रहेगा, तो सॉरी उसके लिए, कभी गलत कुछ हुआ रहेगा तो माफ़ी चाहते उसके लिए। हम लोग को दिखाने लगा था और वो दरगाह का नाम तो आपको शॉर्ट में मालूम पड़ेगा। हाँ भाई, बोलो। सैयद सुल्तान बाबा बहाउद्दीन शाह अस्फ़ानी रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो ये दरगाह है सीएसटी में, ये आज़ाद मैदान से आ गया ना बोलते। हाँ, बहुत थोड़ा, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, दस मिनट का रास्ता है, दस से भी कम मिनट का रास्ता है। आने वाले आ जाते हैं, जैसे हम लोग आ गए तो आप लोग ने सब देख लिया रहेगा। बुलावा था, आ गए। हाँ, हम लोग को बुलावा था दोनों दरगाह पे, दोनों दरगाह की ज़ियारत अच्छे से किया माशाल्लाह। आदिल भाई ने अचानक प्लान बनाया और इमरान भाई, हम दोनों आए और आदिल भाई का रोजा है माशाल्लाह। आज फिर कितने बजे, 6 बजे तक हम लोग घर पर पहुँच जाएंगे। अभी तो 4:30 हो रहे, तो देखते हैं गाइस 6 बजे तक। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ज़्यादा हम लोग ने कुछ किया भी नहीं है। आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना। अभी डेली ब्लॉग आएंगे हम लोग के, ऐसे ही बोलते हैं लेकिन हो नहीं पाता कुछ काम की वजह से, बट अभी आएंगे बराबर वीडियो। तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल आइकन दबा देना। तो अभी आगे वीडियो दिखाने मिलेगा तो दिखाएंगे, नहीं तो यहीं तक। चलो, आप लोग कमेंट करते हो यार कि ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा, ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा, बट सॉरी हम लोग कुछ काम की वजह से ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाते। तो गाइस अभी टेंशन नहीं है, अभी इंशाल्लाह ब्लॉग आते रहेगा, मतलब चलते रहेगा ब्लॉग, आते रहेगा, टेंशन मत लेना आप। और आप लोग भी प्यार, और तुम लोग का प्यार से 250 सब्सक्राइबर हो गए हैं ब्लॉग चैनल पे और 819 सब्सक्राइबर हो गए अपने मेन चैनल पे अरमान शेख पे। तो 1K कर दो उसको भी और इसको भी बढ़ाओ इंशाल्लाह, और कुछ ना कुछ अच्छा बड़ी जगह पे जाएंगे। चलो फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। तो फाइनली गए, हम लोग अपने घाटों पर उतर गए हैं और हम लोग का आज का ब्लॉग इधर ही ख़त्म होता है। लोकल में बहुत सड़ा दी, बहुत लोकल में कैसे कैसे करके पार हो गए। आज का ब्लॉग इधर ही रखते हैं। तो वीडियो कोई भी एक वीडियो अच्छी, फोटो ब्लॉग अच्छा लगा रहेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। और इम्बो बाय, एक नंबर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक दबा के करो, शेयर कर दो। चलो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग।